ये अमेठी जनपद में नगर पालिका और नगर निकाय द्वारा महिलाओं को सम्मानित किया जाने का काम है। स्वच्छता उत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत ऐसी महिलाओं को सम्मानित किया जाएगा जिन्होंने अलग अलग क्षेत्र में बेहतर काम किया है। इस बार नवरात्रि उत्सव की तरह मनाया जाने की तैयारी है। प्रथम दिन से लेकर नवरात्रि के अंतिम यानी 9वें दिन तक अलग अलग देवियों के रूप में महिलाओं की पूजा की जाएगी और उन्हें सम्मानित किया जाएगा। नगर पालिका प्रशासन द्वारा यह प्लान तैयार किया गया है। शासन के स्तर से इसके बेहतर निर्देश दिए गए हैं कि कार्यक्रम को बेहतर ढंग से जनपद स्तर पर आयोजित किया जाए। आपको बता दें कि यह कार्य 9 दिनों तक लगातार चलेगा। पहले दिन स्वच्छता के लिए कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया जाएगा। इसके साथ ही दूसरे दिन अनुपयोगी वस्तुओं से तैयार वस्तु से आमदनी बढ़ाने वाली महिलाओं को सम्मानित किया जाएगा। इसके साथ ही रोजगार के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में सहित अन्य क्षेत्रों में काम करने वाली अनुभवी महिलाओं और ऐसी महिलाएं जो कहीं ना कहीं रोजगार सृजन को बढ़ावा दे रही हैं और समाज में अच्छा काम कर रही हैं उन्हें सम्मानित किए जाने की योजना है। आपको बता दें कि जिला प्रशासन इसके लिए पूरी तरीके से सजग है और प्रशासन स्तर से कार्यक्रम को बेहतर तरीके से सफल करने के लिए तैयारियां भी पूरी की जा रही है। इसकी डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर प्रतिभा पाल ने बताया कि हम महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस कार्यक्रम को शासन के निर्देश पर करा रहे हैं। इस कार्यक्रम में ऐसी महिलाओं को सम्मानित किया जाएगा। स्वच्छ भारत मिशन नगरीय के अंतर्गत नवदेवी सम्मान समारोह आयोजित किया जाना है। इसके शासन से हमें आदेश मिला हुआ है कि विभिन्न क्षेत्रों में महिलाएं जो सहायक समूह का कार्यक्रम करवा रही हैं या अलग अलग क्षेत्र में वो लोग सफाई मित्र हैं या फिर जो थोड़ा स्वच्छता के क्षेत्र में काम कर रही हैं, खाद जो आजकल अभी खाद का लेकर के चला हुआ है, सामूहिक सामुदायिक खाद के ऊपर मतलब काम करना है उनको, तो उससे रिलेटेड जो औरतें या जो भी महिलाएं काम कर रही हैं उनका सम्मान करना है। तो इस कार्यक्रम का अभी शुभारंभ, अभी डेट फिक्स नहीं है लेकिन हाँ हमको करना है, ये कार्यक्रम आयोजित होना है। इसका फ़ायदा ये है कि हम जितने भी स्वच्छता से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं हमारे यहाँ पे, जैसे बहुत सारे ऐसे सामान होते हैं, प्लास्टिक का यूज़ पूरी तरह से बंद नहीं हो पा रहा है, लेकिन क्या है कि प्लास्टिक को हमको वापस वो रीयूज़ कैसे हो सकता है, इनोवेशन कैसे हो सकता है, इसका काम हम देख रहे हैं इसमें कि वो अगर इनोवेट हो जाता है, अगर वो अच्छे से रीयूज़ हो जाता है तो वो क्या है ना, कचड़े में वापस फैलेगा नहीं, प्रदूषित नहीं होगा हमारा नगर फिर से। दूसरा खाद का है कि जो भी जितना भी इलाके हाँ महिला सशक्तिकरण को उसको आगे बढ़ाना है और प्लस हमें स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए वो स्वच्छता के क्षेत्र में भी आगे बढ़ें, बाकी चीज़ें तो नहीं है।